you are in very silent zone where yourself is become a sensor. हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड फेमस मैग्नम लेजेंडरी फोटोग्राफर मिस्टर रघु राय के बारे में। उनको कौन नहीं जानता गाइस, ही इज़ अ लेजेंडरी फोटोग्राफर एंड उनकी हर फोटोग्राफ जो है वो आइकॉनिक है। सो गाइस, मैंने कुछ फोटोग्राफ जो है वो शॉर्ट लिस्ट करी है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट लगती है, हालांकि उनकी हर फोटोग्राफ आइकॉनिक है। सो गाइस, इस वीडियो में हम उनका काम देखने वाले हैं। गाइस, मैं उनका काम दिखाने से पहले आपको एक चीज़ शेयर करता हूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इन 2017 क्रिएटिव इमेज यानी कि ये जो सर की मैगज़ीन है, इसका पता नहीं मुझे अभी इसका प्रिंट आता है नहीं आता है, इसका प्रिंट जो ये है इस मैगज़ीन का, मगर डिजिटली तो ये आती है। तो इसमें मेरा फोटोग्राफ जो है पब्लिश हुआ और गाइज़ ये जो था मेरा एक सेल्फ पोर्ट्रेट था और ये मेरा पब्लिश हुआ था इसमें। और आई एम सो हैप्पी कि इन 2017 आई जस्ट स्टार्टेड फोटोग्राफी इन 2016 और 2017 में सर ने मुझे सेलेक्ट किया था अपनी मैगज़ीन के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ से मुझे काफ़ी बूस्ट मिला कि यार वर्ल्ड फेमस लेजेंडरी फोटोग्राफर मिस्टर रघु राय मुझे अपनी मैगज़ीन में उन्होंने मतलब पब्लिश किया। सो थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत टाइम से मतलब मैं जीपी प्रो में एक बार, जीपी प्रो जो लाजपत नगर में, वहाँ पे जब उसका इनॉग्रेशन हुआ तो मैंने वहाँ पे भी मतलब सर ऐसा था कि सर निकले और मैं घुसा, इस तरीके से सीन हुआ। मैं स्केच भी लेके गया था, मतलब पेन भी लेके गया था कि मैं सर से साइन कराऊंगा अपनी इस मैगज़ीन पे, अपनी फोटोग्राफ पे, बट वो हो नहीं पाया और होप इन फ्यूचर हो पाए। देखते हैं कब चांस मिलता है सर से मिलने का। सो आई होप गाइज़, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। सो गाइज़, इस वीडियो में हम सर का काम देखने वाले हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, मैंने रघु राय सर के वर्क के दो फोल्डर्स बनाए हैं। पहला फोल्डर है BMW यानी ब्लैक एंड वाइट और दूसरा फोल्डर है कलर का। तो हम ब्लैक एंड वाइट से स्टार्ट करते हैं। और वाओ, आई जस्ट लव दिस इमेज। और जो रिफ्लेक्शन है, ओ ब्यूटीफुल इमेज। और अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्सन है ये बाहर की तरफ देख रहा है और जो बाहर के सीन का जो रिफ्लेक्शन है वो पूरे मिरर पे आ रहा है। यहाँ पे लेडी सो रही हैं और ये लेडी कुछ सोच रही हैं। मतलब इट्स ब्यूटीफुल इमेज, आई जस्ट लव दिस इमेज। आई थिंक अगर हम रघु राय सर की इमेजेस में देखें तो एक जो फील है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि उनकी तो हर इमेज आइकॉनिक है, जिस तरीके का उन्होंने काम किया हुआ है, इतनी दैट्स वाई ही इज़ अ लेजेंड। और कमाल का काम है। तो नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं हम। और वाह, ये मदर टेरेसा की इमेज है और ब्यूटीफुल इमेज और कमाल का फोटोग्राफ है। इसके पीछे की स्टोरी भी है जो रघु राय सर बताते भी हैं अपने कई इंटरव्यूज में कि ये मतलब मदर टेरेसा ने उनको बोला कि रघु तुम यहीं बैठना, मतलब जब तक ये पूरी ना हो हमारी प्रेयर। बट सर ने ये सीन देखा, मतलब उनसे रहा नहीं गया, वो फिर भी जाके उन्होंने इस फोटोग्राफ को क्लिक किया। और उसके बाद उन्होंने मदर को बोला कि मदर मैंने ये फोटोग्राफ, मतलब मैंने आपको जो आपने बोला था मैंने उसको वो भी नहीं किया और मैंने आपकी ये फोटोग्राफ क्लिक करी। लेकिन जो रघु राय सर थे वो इतनी प्योरिटी और इतना मतलब स्ट्रेट बोलते थे कि उन्होंने मदर टेरेसा ने सुना और उन्हें कहा कि कोई बात नहीं रघु, मतलब वो स्माइल करके चली गई। बड़ा ही मतलब कमाल की स्टोरी है आपकी। उनके आप इंटरव्यूज़ देखेंगे यूट्यूब पे तो कई इंटरव्यूज़ में मिल जाएगी। ब्यूटीफुल इमेज, आई जस्ट लव दिस इमेज। और मतलब क्या है बोलूँ यार, स्पीचलेस, ब्यूटीफुल इमेज। नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं उनकी। वाओ, एनर्जी, मतलब कमाल के फ्रेम से। जैसे रघु राय सर हमेशा बोलते हैं, अगर हम उनकी फोटोग्राफ में एक चीज़ देखें कि वो एक ही फ्रेम में बहुत लार्ज स्टोरी क्रिएट करने की हमेशा से कोशिश करते हैं। अगर हम बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स भी देखें गाइज यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक क्रो भी है और पीछे अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे एक बर्ड भी है, और इस बर्ड का जो एक मतलब आप फॉर्म देखेंगे वो बिल्कुल इस ह्यूमन के साथ मैच कर रहा है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो। और हमेशा रघुराय सर का ये कहना है कि यार मैं एक ही मतलब इस सारे जहान को एक अपनी एक ही फोटोग्राफ में कैद करना चाहता हूँ। मैंने उनके किसी इंटरव्यू में सुना था वो इस तरीके से मतलब हमेशा उनका थॉट प्रोसेस या उनकी सोच इस तरीके की है। नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ हम चलते हैं हम। इट्स ए आइकॉनिक इमेज अगेन और ये जामा मस्जिद के पास की कहीं की इमेज है और बड़ी कमाल की इमेज है। यहाँ पे जो लेडी हैं ये नमाज पढ़ रही हैं और बादल आए हुए हैं, मॉनसून का टाइम था शायद उस टाइम की शायद ये स्टोरी, और बड़ी कमाल का फोटोग्राफ है ये। अब नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं हम सर की। वाह ब्यूटीफुल काम, कितना मतलब आई प्लीजिंग और मैं बोलता हूँ कि यार मन को शांति देती है उनकी फोटोग्राफ्स जो हैं। कितना कमाल का कंपोजिशन सेंस और जो फील है, मतलब मैं जो फील है मैं कहता हूँ यार ये फील बड़ा कमाल का है। जो वो हमेशा अपनी एक जो बोलते हैं एक पीस जो है ऐड करते हैं हमेशा अपने एक फ्रेम में, तो वो बहुत कमाल का होता है। और इस फ्रेम से वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैं बोलूँगा कि एकदम दशा रहा है, एकदम क्लियर है जिस तरीके से ये काव है, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं दुर्गा माँ की। कोलकाता का शॉट है ये, ब्यूटीफुल इमेज। नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं उनकी। वाह इट्स मतलब क्या इमेज है गाइस, ये मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर बट मे बी ये खारी बावली की इमेज है, और खारी बावली या चांदनी चौक में दिल्ली की ही इमेज है, मतलब मेरे को भी सही से याद नहीं आ रहा बट हाँ उधर ही कहीं की इमेज है ये। और इट्स ब्यूटीफुल इमेज, किस तरीके से सारे मतलब एक ही फ्रेम में इतनी सारी स्टोरीज इतने सारे मूवमेंट्स कैप्चर किए गए हैं। और मैं मेरे को उनका जो फोटोग्राफ्स का जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, वो भी बहुत पसंद है मुझे। अब हम नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं उनकी। वाह आई थिंक मे बी ये ढाका का शॉट है, पता नहीं आई एम नॉट श्योर बट हाँ ढाका या कोलकाता उनमें से किसी का शॉट है ये, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ जगह को लेके बट हाँ बट बहुत सुंदर शॉट है। इट्स ए ब्यूटीफुल इमेज, मतलब मेरे को हमेशा उनकी फोटोग्राफ में जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो भी बहुत प्यारी होती है, जिस तरीके से वो फ्रेम करते हैं वो भी बहुत प्यारा होता है। सो इट्स ब्यूटीफुल इमेज गाइस। ये जो वीडियो है इसमें मतलब मैं रिव्यू नहीं कर सकता, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं ये भी सोचूँ, तो हम यहाँ पे सिर्फ उनका वर्क देख रहे हैं, जैसे आप एज ए व्यूअर उनका वर्क देख रहे हैं मैं भी एज ए व्यूअर यहाँ पे उनका वर्क ही देख रहा हूँ। तो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो किस तरीके से फ्रेम करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। वाह इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज अगेन। और ये इमेज इसका मैंने मैग्नम कॉन्टैक्ट शीट जो मेरे पास बुक है मैंने उसमें इसका कॉन्टैक्ट शीट भी देखा था। काफ़ी सारी इमेजेस सर ने 3-4 इमेजेस हैं, उसके बाद सर ने ये चूज़ करी पब्लिश करने का। तो इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज, मदर टेरेसा का इमेज है ये और आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। वाह अगेन इट्स मेरे का मतलब हमेशा से एक चीज़ है जो सर मतलब मैं बोलूँगा अगेन वही कोशिश करते हैं सर कि हमें कैसे लार्ज स्टोरी क्रिएट कर, मतलब हमेशा मुझे ऐसा लगता है मतलब कि वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एक ही फ्रेम में पूरी दुनिया को कैप्चर करना चाहते हैं जैसे वो बोलते हैं, और यहाँ पे वो शो हो रहा है। अगेन अ ब्यूटीफुल इमेज। अगर हम सर की फोटोग्राफ्स देंगे तो सर ने बहुत कुछ मतलब कैप्चर किया हुआ है अपने लेंस पे, पूरा मान लीजिए इंडिया, पूरा इंडिया उन्होंने कैप्चर किया हुआ है अपनी लेंस के थ्रू। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, छोटा इमेज है। वाह इट्स ब्यूटीफुल इमेज, कामनेस, ब्यूटी, सुपर। अगेन wow again a beautiful image और superb, मतलब जो पावर है जो एनर्जी है सर के फ्रेम्स में, जो इमोशंस हैं वो सीधा दिखते हैं आपको, फ्रेम देख के समझ में आ जाता है सीधा। उनका BMW जो ब्लैक एंड वाइट वर्क है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, हालांकि मुझे कलर्स भी उनका काफी पसंद है बट BMW मतलब टू बी पर्सनल ओपिनियन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है उनका ब्लैक एंड वाइट वर्क। अगर गाइस इस फ्रेम को देखें हम तो यहाँ पे जो पर्सन है इनका जो हाथों का जो जेस्चर है और पीछे जो ये जो पर्सन है जो जिनका कोई पोस्टर लगा हुआ है, मतलब इट्स ब्यूटीफुल, मतलब पीछे से लेकर आगे और फोरग्राउंड से लेकर बैकग्राउंड, इट्स फुल ऑफ स्टोरीज, इमेजेस सर ने हमेशा कैप्चर करी है। उस टाइम में भी तक कमाल का काम और आज भी जबरदस्त, सुपर्ब सुपर्ब, ब्यूटीफुल इमेज। वाह, ये स्टॉर्म का फोटोग्राफ है ये, और ब्यूटीफुल इमेज, मतलब मैं क्या बोलूं यार, स्पीचलेस, आई जस्ट लव दिस इमेज। सो मच ऑफ स्टोरीज, पावर, एनर्जी, मतलब एक जो एसेंस होता है ना उनकी फोटोग्राफ में जो इंडिया का, वो बड़ा कमाल का होता है। पुष्कर, पुष्कर का ये शॉट है और अगेन अ ब्यूटीफुल इमेज और आई जस्ट लव इट। इसको अगर हम एक बार पूरी उससे देखें, एक बार स्क्रीन पे करके देखते हैं जिसे, हाँ, वाव, इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज। मे भी हो सकता है आप सबने कई सारी फोटोग्राफ्स देख रखी हो और कई सारी ना देख रखी हो, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि हम सब लेजेंड जो फोटोग्राफर हैं मिस्टर रघु राय सर का वर्क देखें, बिकॉज इस लेजेंड और उन्होंने जो काम किया वो बेमिसाल है। ब्यूटीफुल इमेज, वाओ। मेरे को काफ़ी छोटे प्रिंट्स मिले हैं गाइस, क्योंकि बड़ा मुश्किल है उनकी फोटोग्राफ्स को ढूंढना बड़े फॉर्म में, बट हाँ मैंने फिर भी कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखाऊँ अपनी वीडियो के थ्रू। इट्स अगेन अ ब्यूटीफुल इमेज, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, पीस, एनर्जी, प्रेयर, इमोशंस, सुपर्ब। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बंदा कुछ प्रे कर रहा है और यहाँ से क्रो जा रहा है और इसके हाथ के नीचे एग्जैक्ट एक एलिमेंट और है जो हमें दिख रहा है। इट्स ब्यूटीफुल इमेज, यहाँ पे पूजा चल रही है, ये बच्चा, ये देख, अगेन अ ब्यूटीफुल इमेज, वाओ, अगेन अ ब्यूटीफुल इमेज। इट्स अ स्टोरी। अगर हम होते तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ इस मूवमेंट को कैप्चर करते जहाँ पे ये जो पर्सन इस तरीके का इनका चल रहा है जो अखाड़े का, बट सर ने ये जो जिस तरीके से ये जो जड़े जिस तरीके से फ्रेम में, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, अल्टीमेट विजन, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया पूरी इमेज को। आई जस्ट लव इट। यहाँ पे जो हाथ है, यहाँ पे अगर हम छोटा सा देखें तो यहाँ पे हाथ भी छपा हुआ है। अगेन अ ब्यूटीफुल इमेज, आई जस्ट लव इट। ये मणिकर्णिका घाट की, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वाराणसी का शॉट है ये। सुपर ब्यूटीफुल इमेज, वाओ, आई जस्ट लव इट। ये गाइस मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे ये प्रोग्राम, मतलब मंकीज, एलिफेंट, डॉग, और मतलब एक पूरा जो फील है इस फोटोग्राफ में, मतलब क्या बोलूं मैं, इट्स ए ब्यूटीफुल इमेज, ब्यूटीफुल। और पता चल रहा है विंटर्स का फोटोग्राफ है ये। अगेन अ ब्यूटीफुल इमेज। नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं। वाओ, पीस, वाओ, स्पिरिचुअलिटी, एज वी ऑल नो ये कितना फेमस फोटोग्राफ है सर का, मुंबई का, और बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ है। आई जस्ट लव दिस इमेज। जिस तरीके से स्लो शॉट यूज किया गया है, ये पर्सन जिस तरीके से बैठे हुए हैं तीनों बीच में, अ ब्यूटीफुल इमेज। ये जो वीडियो है देख रहे होंगे कि आप इसमें कितना सारा मैंने कोशिश किया है वर्क दिखाने का सर की, तो इट्स, मैं बोलूँगा कि आप ध्यान से हर इमेज को पोज करके ध्यान से देखिए सारी वीडियो को, मेरे जो पूरा वीडियो, क्योंकि मैंने अलग अलग फोटोग्राफ दिखाने की कोशिश करी है इसमें सर की। अगेन वन मोर ब्यूटीफुल, हैंड की पोजिशन देखिए आप, क्या कमाल का, मतलब कंपोजिशन लेवल, सुपर्ब सुपर्ब, ब्यूटीफुल इमेज। जामा मस्जिद दिख रहा है आपको पीछे की तरफ, आप देख पा रहे होंगे, और मेरे को लग रहा है कि ये बारिश के टाइम का, मानसून टाइम का शॉट है। पूरी ये भीगी हुई है, बारिश हो रही है, मतलब सो मच ऑफ एनर्जी, नेचर, सुपर्ब मूड, मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया जाए। आई जस्ट लव दिस इमेज, आई लव दिस ब्यूटीफुल इमेज। ओ गॉड, ये तो कौन भूल सकता है इस इमेज को सर की भोपाल गैस ट्रेजेडी। और ये गॉड व्हाट अ इमेज, व्हाट अ आइकॉनिक इमेज, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। मतलब सीरियसली गाइस, अगर रघु राय सर को लेजेंड माना जाता है तो वो डिजर्व करते हैं इस चीज को। ही इज अ प्योर लेजेंड। सो गाइस ये तो थे कुछ उनके ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम्स। अब हम चलते हैं कुछ उनकी कलर प्रोग्राम्स की तरफ। सो मैं आपको उनके कलर प्रोग्राम्स दिखाता हूँ। अगेन अ ब्यूटीफुल इमेज। एक्सप्रेशंस देखिए आप यहाँ पे, एनर्जी देखिए, मतलब इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमेज। फ्लैश यूज किया गया इस प्रोग्राफ में, तभी आप ये देख रहे हैं स्लो शटर जिस तरीके से आया हुआ है। इट्स ब्यूटीफुल इमेज। नेक्स्ट प्रोग्राफ की तरफ चलते हैं उनकी। वाओ, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इमेज है इसमें इतने सारी स्टोरीज क्रिएट किए जा रही हैं एक साथ। और जैसे मैं बोलता हूँ कि ये जो काऊ है इसने जिस तरीके से अपना मुंह ओपन किया है, जिस तरीके से माउथ जो ओपन किया है, बहुत ही मतलब कमाल का मूवमेंट है यहाँ पे। ये इस तरीके से गेहूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज। आई जस्ट लव दिस इमेज। लाइट, ब्यूटीफुल लाइट। आई जस्ट लव इट, लव दिस इमेज। ये कोलकाता का फोटोग्राफ है, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। और ब्यूटीफुल स्काई, मूवमेंट, कलर, टेक्सचर्स, मतलब अल्टीमेट ब्यूटीफुल इमेज। अखाड़ा, वाह, अगेन आइकॉनिक इमेज। ये भी सर का फोटोग्राफ जो है वो काफी ज्यादा आइकॉनिक और फेमस है। और आई जस्ट लव दिस इमेज। जिस तरीके का मतलब ये जो देखेंगे यहाँ पे जी इसका हैंड है हमारे इस वाले पहलवान का, वो बिल्कुल इस तरीके से जस्टा है, मतलब अल्टीमेट। इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज। अगेन कमाल की तरह यूज किया गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन। पंजाब वेडिंग का है, सर ने कुछ टाइम पहले पंजाब की कुछ फोटोग्राफ अपने सोशल नेटवर्किंग यानी जो इंस्टाग्राम है उस पर भी अपलोड करी थी। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक ये जो यहाँ पे हैं ये उनकी वाइफ ही खड़ी है, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ उन्हीं की तरह लग रहा है इनका। इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज। यहाँ पे जो ये बच्ची है, मतलब अल्टीमेट ब्यूटीफुल। आप एक चीज़ देखेंगे कि इससे पता चल रहा है कि सर को कितना ज़्यादा प्यार है फोटोग्राफ से, फोटोग्राफी से, कि उन्होंने बहुत कुछ कैप्चर किया हुआ है अपने कैमरा और लेंस के थ्रू। और वो आज भी करते हैं, आज भी आप देखिए उनके पास, वो आज भी शूट करते हैं। एट दिस एज स्टिल उतने ही एंथुसियास्ट है अपने काम को लेके, अपने बोल सकते हैं कि अपने जिसको प्यार करते हैं अपनी फोटोग्राफी को लेके। सो ब्यूटीफुल। सो नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं उनकी। इट्स वाराणसी। और लेडीज बैठी हुई हैं कुछ ओल्ड, और कुछ बातें कर रही हैं। यहाँ पे एक पर्सन है पीछे, ये कुछ इस बछड़े वो कुछ खिला रहे हैं इस गाय को, मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं उनकी। वाह, व्हाट अ स्काई, मूवमेंट, टेक्सचर, पैटर्न, कलर्स, लाइट, ब्यूटीफुल। अगर सर मतलब गाइस हम सर की एक एक फोटोग्राफ देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनकी एक एक फोटोग्राफ से। तो मैं बोलूँगा बाहर के फोटोग्राफर्स को आप देखते हैं, इट्स गुड, बट आप रघु राय सर का काम ज़रूर देखें। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मेरे को लगा था उनकी वर्क के ऊपर एक वीडियो होना बहुत ज़रूरी है। वाओ, मतलब एक ही फ्रेम में इतना सब कुछ कैप्चर करना, मतलब इट्स लाइक इम्पॉसिबल। और यहाँ पे अगर आप इस फोटोग्राफ में बिल्कुल यहाँ पे कोने पे देखेंगे तो इस हैंड के पास देखिए आप, और बिल्कुल यहाँ पे अगर देख रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर में, तो ये लेडी है कोई जो देख रही है सर को। और मतलब इट्स ब्यूटीफुल, इतने सारी स्टोरीज एक ही फ्रेम में। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल इमेज। चांदनी चौक जामा मस्जिद के शायद पास है ये शॉप। ये पर्सन सोए हुए हैं, एकदम काम है और पीछे एनर्जी। वाह, अगेन अ ब्यूटीफुल इमेज, कलर्स वाह, मतलब अल्टीमेट। ओह सुपर, ब्यूटीफुल इमेज गाइस। देखिए किस तरीके से पैटर्न यूज किया गया है, जिस तरीके वाह, मतलब पीछे तक जो लेयरिंग है, इट्स ब्यूटीफुल, अल्टीमेट शॉट। सो गाइस, मेरी इस वीडियो में काफ़ी सारे आपको मैंने प्रोग्राम दिखाने की कोशिश करी है रघु राय सर की, और अगेन ब्यूटीफुल इमेज। और ये जो पर्सन का जो आई कांटेक्ट हुआ है वो बहुत ज़्यादा मैटर किया है यहाँ पे, और कमाल का आई कांटेक्ट हुआ है। इन्होंने जो जिस तरीके से वी फॉर्म में सुखाया हुआ है इसको, और पीछे लोग बैठे हुए हैं, अल्टीमेट। वाओ 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 वाओ, ओ गॉड, व्हाट अ इमेज, व्हाट अ फोटोग्राफ। ओ गॉड, अगर आप कहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड बैठा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पे इस साइड में जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा हुआ, यहाँ पे ये पर्सन बैठे हुए हैं, और ये जो पानी बह रहा है, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज। आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट। व्हाट अ इमेज मैन, व्हाट अ फोटोग्राफ। वाव, अगेन अ ब्यूटीफुल इमेज। क्या लाइट है, क्या फोटोग्राफ है, ब्यूटीफुल। सो गाइस, ये था कुछ वर्क रघु राय सर का जो मैंने आपको दिखाया अपनी वीडियो में। अगर गाइस मैं उनका सारा काम दिखाना चाहूँ तो मतलब दिन से रात हो जाए, रात से दिन हो जाए, उतना सारा काम उन्होंने किया हुआ है कि मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि एक वीडियो में मैं दिखा सकूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो गाइस, मैं पार्ट्स बनाने की कोशिश करूँगा सर के वर्क पे। सो आई होप गाइज, मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारा काम दिखाने की कोशिश, बहुत सारा नहीं मतलब कुछ अच्छी इमेजेस, ऐसे तो सर का सारा काम आइकॉनिक है, बट मैंने कुछ प्रोग्राफ चूज करके आपको दिखाने की कोशिश करी है गाइज। इस वीडियो के एंड में मैंने सर का एक मैसेज है, जो मैसेज मतलब जो उनका थॉट प्रोसेस है वो इस वीडियो के एंड में मैंने डाला है। एक छोटा सा मैसेज है जो बड़ा ही कमाल का मैसेज है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सुने, तो उस मैसेज को सुन के ज़रूर जाना गाइज। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बिजनेसमैन का सोचना पॉलिटिशियन का काम है, सोचना साइंटिस्ट का काम है। आर्टिस्ट जो है वो फीलिंग से रिस्पॉन्ड करता है, पहले फीलिंग से जीता है, फिर सोचता है। जो पहले सोचता है और फिर काम करता है वो कलाकार कम हो जाता है। आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है?